तो हेलो दोस्तों, एवरीवन, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आज आप लोगों के लिए टाटा पंच लेकर आया हूं, जो एडवेंचर वेरिएंट है और अहमदाबाद से हमारे वहां आई हुई थी। टाटा पंच की ये ट्रॉपिकल मिस्ट कलर की कार है, जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से एक्सेसरीज लगाई हुई है उसका वीडियो मैं आप लोगों को इसमें शेयर करने वाला हूँ अपनी चैनल पर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी जो टाटा पंच है उसके फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार की, तो क्या क्या हमें उसमें नेसेसरीज होता है जो आपकी कार को फुल अच्छा मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडलाइट DRLs लगाए हुए हैं जो मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ है। जैसे ही आप इसमें राइट इंडिकेटर करते हो तो एक राइट इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है, और जैसे ही आप लेफ्ट इंडिकेशन करते हो तो आपको एक लेफ्ट इंडिकेशन देखने को मिलता है। ये जो DRL लगाते हो आप अपनी कार में तो लुक भी अच्छा एनहांस हो जाता है, और साथ ही साथ DRLs में जो पार्किंग बल्ब होते हैं उसको भी आपको वाइट LED में अपग्रेड करवाने चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग अपनी हेडलाइट की, तो हेडलाइट के जो ओरिजिनल कंपनी के थ्रो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उसको हम लोगों को अपग्रेड करना होता है हेडलाइट बल्ब प्लग एंड प्ले में। तो हम लोगों ने इसमें मेड इन इंडिया के RD ब्रांड के LED बल्ब लगाए हुए हैं जो 130 वॉट के हैं, लेकिन इसका एक थ्रो आप लोग चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आ रहा है। साथ ही साथ हम बात करें इस कार की फॉग लाइट की, तो एडवेंचर वेरिएंट में फॉग लाइट कंपनी से नहीं आती है, तो हम लोग अपग्रेड करके देते हैं प्रॉपर RD ब्रांड की, जिसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप वाइट LED बल्ब लगाना चाहते हो तो भी अपग्रेड करवा सकते हो, और आपको हेलोजन पसंद है तो वो भी लगा सकते हो। बिना किसी वारंटी अवॉइड हुए ये सब कुछ DRLs वगैरह आप अपग्रेड करवा सकते हो हमारी शॉप से। साथ ही साथ मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि आपकी कार टाटा पंच है, उसको और ज़्यादा एनहांस करना है या सेफ्टी चाहिए तो आपको ये M-Tech की GT Line किट ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि ये GT Line किट आपको सेफ्टी तो देता ही है, साथ ही साथ आपको एक लुक प्रोवाइड करता है। ये आपको फ्रंट, रियर और साइड से तीनों ही तरह से प्रोटेक्ट भी करता है, और इसका लुक आप लोग देख सकते हो। मैं हमेशा सभी कस्टमर को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये GT Line किट आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये ABS की है और M-Tech ब्रांड की है, और सभी कलर्स के साथ मैचिंग होती है। लेकिन लुक आप लोगों के सामने है दोस्तों, किस तरीके से एक फ्रंट प्रोफाइल में आप इतना एक्सेसरीज करवा दो तो एनहांस हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी कार का जो मेन थीम है वो ड्यूअल टोन में ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ब्लैक ब्यूटी किट, जो आपको ब्लैक ब्यूटी किट के अंदर हेडलाइट के ब्लैक ब्यूटी बॉर्डर्स मिल जाते हैं, मिरर्स के बॉर्डर मिल जाते हैं, हैंडल के मिल जाते हैं और टेल लाइट के मिल जाते हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। बे मिनट। और दोस्तों, साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से जब आप कार को देखते हो तो किस तरीके से लुक आता है इसका आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें रूफ रेल लगाए हुए हैं जो M-Tech ब्रांड के GT Line किट वाले आते हैं, जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ हैं, लेकिन एक फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कि एक टाटा पंच जैसी कार के अंदर जब ये लुक्स के साथ एनहांस होता है तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं डोर वाइजर्स, जो हम लोग ब्लैक विथ सिल्वर लाइन फिनिश के साथ देते हैं आपको, और उसको मैच करने के लिए लोअर विंडो गार्निश भी लगवाना चाहिए, ताकि जो आपका साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी एनहांसिंग और कंप्लीट लुक लगे। ब्लैक ब्यूटी किट के अंदर दोस्तों आपको मिरर कवर, हैंडल कवर, हैंडल के बाउल कवर्स और रियर के हैंडल बाउल्स कवर भी मिलते हैं। GT Line किट के अंदर आप लोगों को साइड के क्लैडिंग मिलते हैं, ताकि जब भी आप कार के डोर्स को ऐसे ओपन करोगे तो साइड का पूरा प्रोफाइल जो है वो आपका फुल प्रोटेक्ट रहेगा। कंपनी से हमें व्हील कैप तो मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को अपग्रेड करना था, इसलिए ओरिजिनल व्हील कैप को हमने रिमूव करके GT Line वाली व्हील कैप इंस्टॉल की हुई है, जो हमारी फेवरेट ब्रांड H24 की है, जिसका सिल्वर एंड ब्लैक ड्यूअल टोन आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से लग रहा है, और हमें कमेंट करके बताना कि इस तरीके से आपको ये जो कार है वो कैसी लगी है। और सन कंट्रोल फिल्म भी हमने इस कार में लगाई है, जो RTO के रूल्स के हिसाब से है, और लाइट कलर में लगाई है। आइए हम बात करते हैं रियर प्रोफाइल ऑफ द कार की, तो रियर से जब आप कार को देखोगे तो इसमें हमने GT Line स्पॉइलर लगाया हुआ है, जो M-Tech ब्रांड का ही हम लोग हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं, विथ पैडिंग के साथ आता है, पियानो ब्लैक फिनिश में है, लेकिन एक स्पॉइलर लगाने से आपकी कार जो है बहुत ही अच्छी मस्क्यूलर लगती है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक ER ब्रांड का शार्क एंटीना भी लगाया है फ्रेंड्स, और रियर बूट स्पेस के लिए हम लोगों ने रियर ट्रंक स्ट्रीमर लगाया हुआ है, जो फुल क्रोम के साथ आता है विथ एरो डिज़ाइन के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेल लाइट की ब्लैक ब्यूटी बॉर्डर किस तरीके से लग रही है, हमें कमेंट करके बताना।
और एमटेक की जीटी लाइन किट की तो मैं बात ही क्या करूँ, क्योंकि फ्रंट रियर साइड सब कुछ आपको प्रोटेक्ट तो करती है लेकिन लुक भी बहुत ही अच्छा एनहांस हो जाता है। और ये जो डमी एग्जॉस्ट वगैरह है काबिल तारीफ़ है। जब भी कार लेते हो आप एक जीटी लाइन किट अगर लगवाते हो तो फुल मतलब आपकी कार जो है मॉडिफिकेशन में आपको देखने को मिलती है। आइए हम बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल कैसा है हमारा और किस तरीके से हमने इसमें वर्क किया है। जैसे ही दोस्तों हम इंटीरियर के अंदर एंटर करते हैं तो पंच लिखे हुए बैजिंग आपको देखने को मिलेंगे जो प्योर एसएस के हैं वेलकम के लिए। और साथ ही साथ सीट कवर की मैं बात करूँ तो हम लोग हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने जो सीट कवर है आपके पूरे इंटीरियर को देखो, आप उस तरीके से आप पसंद करो, क्योंकि जो आपका इंटीरियर है ब्लैक विथ आइस ग्रे के साथ है तो हम लोगों ने हेडरेस्ट से लेकर पूरा सीट का फिटमेंट इस तरीके से किया है फुल ब्लैक विथ 3D पैटर्न के साथ आइस ग्रे स्टिचिंग, आइस ग्रे पाइपिंग और रियोन ब्रांड के प्रीमियम सीट कवर। जब हम लगाते हैं तो पूरा इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ हम लोग आर्मरेस्ट भी लगाते हैं क्योंकि टाटा के कोई भी पंच के कोई भी वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं आता है, वो भी कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग स्टीयरिंग व्हील कवर भी पूरा लेदर रैप कर देते हैं एकदम OEM ग्रिप के साथ। हमारे पास कस्टमाइज टाटा पंच के, टाटा नेक्सॉन के सभी कार्स के OEM लेदर रैप स्टीयरिंग कवर आ चुके हैं। फ्लोर लेमिनेशन मैट हम लोग इंस्टॉल करते हैं पूरा वन पीस में, सिंगल पीस में फ्लोरिंग करके उसके ऊपर हम लोगों ने ऑटोडेक के 18mm के ग्रास मैट लगाए हुए हैं ताकि जो पूरा फ्लोर है वो कम्प्लीट क्लियर रहे और ईजी टू क्लीन रहे। बात करें हम इस इंटीरियर को और ज़्यादा एनहांस करने की तो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि कार्डी ब्रांड की एक एक्टिव एम्बिएंट लाइट लगवाएं जिसका नाइट का जो लाइट का इल्यूमिनेशन है वो तो बहुत ही प्रीमियम लगता है, लेकिन आप अभी प्लेसमेंट चेक कर सकते हो कि चारों डोर्स के अंदर आती है, दोनों डैशबोर्ड के अंदर आती है और 4 फुट लाइट के अंदर। टोटल सेट ऑफ 10 पीस की एम्बिएंट लाइट अगर आप अपनी कार में लगवाते हो तो इस तरीके से आप अपने इंडियन कार्स के अंदर भी एक अल्टीमेट इफेक्ट दे सकते हो। चाहे वो बात हो रियर के कैबिन की तो रियर से भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से सीट कवर है, फ्लोरिंग है, एम्बिएंट लाइट है, उसका फिटिंग एंड फिनिशिंग हम लोगों ने करके दिया हुआ है। ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो सकता है दोस्तों जब हमारी पूरी टीम हमेशा एक ही कार को बार बार बना रही है। इतनी सारी टाटा पंच हमने डिलीवरी की है इसलिए अब हमारे कोई भी वर्क में कोई भी इश्यू नहीं आता है, कंप्लीट फिटिंग के साथ हम लोग एक्सपीरियंस टीम वर्क के साथ काम करते हैं। फिर भी अगर आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आती है तो हम आपको बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्यार बनाते रहना ताकि आपकी सभी कार्स को हम बेस से टॉप मॉडल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अगर आपके पास पुरानी कार है तो उसे भी हम लोग अल्टीमेट लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम इसके म्यूज़िक सिस्टम की कि किस तरीके से हम लोगों ने एडवेंचर वेरियंट के म्यूज़िक सिस्टम को रिप्लेस करके एक अल्टीमेट एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया है। और दोस्तों टाटा पंच के एडवेंचर वेरियंट के अंदर हम लोगों ने ओरिजिनल स्टीरियो को रिप्लेस करके एक सोनीलैक्स ब्रांड का T3L का एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया जिसका वीडियो क्लैरिटी आप लोग देख सकते हो दोस्तों QLED है। इसकी डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है वो 4K वीडियो भी सपोर्टेड है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फुल कैपेसिटिव टच के साथ है, इसका रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हो एकदम स्मूथ रिस्पॉन्स के साथ है, बिना किसी लैग के ये स्टीरियो चलता है। काफ़ी अच्छे थीम्स मिल जाते हैं आप लोगों को, फुल्ली कैपेसिटिव टच मिल जाते हैं, UI स्टाइल काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। आप चेक कर सकते हो किस तरीके से इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। म्यूज़िक की बात करूँ तो 8-band इक्विलाइज़र मिल जाते हैं और YouTube, Google नेविगेशन जैसे काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं जो भी आपको ज़रूरी होते हैं। बात करें हम इसके रिवर्स कैमरे की तो ये जो रिवर्स कैमरा है काफ़ी नाइट का टाइम है, हम लोग शूट आपको इसीलिए करके दिखा रहे हैं ताकि हम हर कार का शूटिंग इसीलिए करते हैं ताकि आप हमारी कार का फिनिशिंग देखो कि किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। और ये जो टाटा पंच की एडवेंचर वेरिएंट होती है इसमें हमें कैनवास भी लगाना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल स्टीरियो के स्टीयरिंग कंट्रोल बटन आते हैं वो पेयरिंग हो जाए, ओरिजिनल ये जो बटन है वो भी कम्प्लीटली वर्क करें, इसलिए हम लोग इसमें प्रॉपर प्लग एंड प्ले कैनवास लगाते हैं ताकि आपकी कोई वारंटी अवॉइड ना हो। और फ्रेम फिनिशिंग फिटिंग सब आपके सामने है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना आपको ये स्टीरियो कैसा लगा, टोटली वर्क कैसा लगा। आइए अब हम बात करते हैं इस कार के ओनर से कि उनको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हमने कंप्लीट करके दिया वो कैसा लगा है और अहमदाबाद से जब वो हमारे वहाँ आए वो उनके लिए ये वर्थ रहा है कि नहीं, उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि टाटा पंच एडवेंचर वेरियंट थी और किस तरीके से हमने इसको मॉडिफाइड किया, इसका हम लोगों को
जो मौका मिला है टाटा पंच के ओनर जो हमारे साथ है राजू अरोरा सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये हमें मौका दिया ताकि हम आपकी गाड़ी को फुल अच्छे से मॉडिफाइड कर सकें, और इस तरीके से जो काम था वो हम लोगों ने पूरी टीम के साथ किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे ऑडियंस के साथ ज़रा शेयर करोगे तो उनको भी हेल्पफुल रहेगा। हेलो एवरीवन, सो कोई भी गाड़ी इंसान लेता है ना तो उसका बजट सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हमने हमारे बजट के हिसाब से गाड़ी ली थी और उसके बाद हमने सोचा कि हम कहाँ पे सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अहमदाबाद और चंडीगढ़ तो मॉडिफिकेशन का हब है, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर देखा जगदम्बा एसेसरीज़ तो मुझे लगा कि एक बार पर्सनली विजिट और मीटिंग करना चाहिए। तो मेरा राकेश भाई से ऑनलाइन पर मीटिंग हुआ और हमने फिर एक लिस्ट बनाया और उसके बाद हमने कंपनी डिसाइड की कि हमारी गाड़ी में क्या कंपनी का प्रोडक्ट डालेंगे ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट बन पाए मार्केट में। तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एंटायर जगदम्बा एसेसरीज टीम एंड इट इज़ अ रियली गुड प्लेस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट विद मॉडिफिकेशन। थैंक यू सर, आपका ये रिव्यू सभी लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं बेस वेरिएंट लूंगा तो पता नहीं ऐसा एक्सेसरीज हो पाएगा कि नहीं। सेकंड मॉडल लिया था और उसके बाद हमने बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन कराया ताकि एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना सके अपने गाड़ी को, क्योंकि कोई भी इंसान एक चीज लेता है फोर व्हीलर तो मिनिमम 5 या 7 ईयर्स तो रखता ही है। तो रियली वेरी वेरी गुड कोऑपरेशन हमको मिला स्टाफ की तरफ से भी और जैसा हमने सोचा था वैसा एक्चुअल में वर्क हुआ है, सो रियली इट्स अप्रिशिएबल। थैंक यू सर। और मैम आपका कैसा है रिव्यू? मैं भी साथ में ही आई थी पर मुझे भी बहुत स्टाफ का कोऑपरेट बहुत अच्छा लगा और क्वालिटी वाइज मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन हुई यहाँ पर आके। अपनी गाड़ी को हमने इतना अच्छे से मतलब सजाया तो हमें लगा कि हमने कोई गाड़ी ली है बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम, ऐसे ही आप सब लोगों के प्यार से हमारी जगदम्बा कार एक्सेसरीज बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है और आज हमारे 15,000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और जो यूट्यूब पे हमारी फैमिली हमें देखती है उन सबको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा और ऐसे ही प्यार बनाते रहना, आपके साथ एक से एक गाड़ी हम लोग मॉडिफाइड करके लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।